तो पेरेंट्स गुल्लू आपके दीवार पर क्लास आपका 8वीं का विषय गणित का यहाँ पे वार्षिक का आपका देखिए यहाँ पे 23 आपके मार्च का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। आज आज अभी अभी एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपका ए है, समय आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा और पूरा पेपर आपका 60 अंकों का है, 24 क्वेश्चन होंगे। और इसके अगर पूरा पेपर की बात करें तो देखिए मेरे पास यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, हर एक पेपर को आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे A to Z आपको आंसर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे समाज विज्ञान का पेपर मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे समान अंग्रेजी का मिलेगा, और अंग्रेजी के अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा विशिष्ट हिंदी का पेपर, और इसके बाद आपका विज्ञान का। तो एक एक क्वेश्चन आपका लगातार पेपर यहाँ पे डेली अपलोड होगा, आप अच्छे से पढ़ना, किसी पर भरोसा मत करो। आपको जैसे रियल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे वार्षिक में पिछले साल दिया था और इस साल दिया था वार्षिक में, वैसे ही आपको यहाँ पे हर एक पेपर आपको टाइम से रियल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका कौन सी संख्या आपका पूर्ण वर्ग आपका होगा। तो देखिए छात्रों आपका इसका सिंपल सा आंसर है, पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका 2 दुनी आपका 4 होता है और 3 का आपका 9 होता है, 3 का आपका वर्ग। देखिए आपको यहाँ पे 2 का वर्ग की बात करेंगे, 2 का वर्ग यानी आपका 2 गुणा 2 बार, तो सिंपल सा देखिए 2 दुनी आपका यहाँ पे 4 होगा, और 3 का करेंगे तो 3 का 3 आपका 2 बार यानी 3 गुणे 3 हो जाएगा, तो 3 का आपका यहाँ पे 9 आएगा। ऐसे पूछा गया है कि यहाँ पे आपका कौन सा आपका पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका 81 जो लिखा है, तो 81 होता है 9 गुणे आपका 9, तो मतलब आपका 9 का वर्ग होगा आपका 81, यही आपका पूर्ण वर्ग होगा। आपको आंसर यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे 9 गुणे 9 करेंगे, यहाँ पे 9 आपका यहाँ पे 81 आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है, समझ गए। आपको आंसर इसमें क्या लगाना है, आपको आपका सी नंबर 81 आपका इसका आंसर। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पेपर में आ जाने वाला है कल के पेपर में, संख्या 2, 4, 6, 8 का आपका माध्य बताना है। तो माध्य क्या होता है, इन सभी को आप जोड़ दो, और जोड़ो कैसे, देखिए 2, 4, 6 और 6, 6 दुनी 12 और 12 8 का 20 होगा, तो 20 क्या करेंगे आपको इसका माध्य निकालना पड़ेगा, पहले आपको इसको क्रम में रखना पड़ेगा। कैसे क्रम रखेंगे, देखिए तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल आएगा आपका 6 यानी आपका 20 आएगा, और टोटल कितना है 1, 2, 3, 4, मतलब होता है आपको अंकों का योग और इनके आंकड़ों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 4 का आप भाग देंगे तो 4 5 आपका 20 आ जाएगा, मतलब इसका आपका माध्य कितना होगा आपका यहाँ पे 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी आपका सवाल आएगा आपको क्वेश्चन आपको ऐसे ही हल करना है। और इसके बाद एक आयत का लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपका 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का आपका परिमाप देखिए आपको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ हर एक क्वेश्चन कैसे आपको करना है। तो देखिए आपको सिंपल से ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको यहाँ पे आपका सूत लगाना पड़ेगा, सूत क्या होता है, आयत का आपका यहाँ पे परिमाप की बात कर रहा है, तो आयत का परिमाप होता है आपका देखिए 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, आप इसे सूत्र याद करिए, तो आपको यहाँ पे देखिए 2 आपका बराबर कर देंगे 2, और यहाँ पे आपका लंबाई कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है, तो लंबाई जगह में आप 8 रखेंगे और प्लस आप यहाँ पे चौड़ाई लिखा है, चौड़ाई जगह यहाँ पे 6 लिखिए, तो 8 6 आपका 14, तो 14 और आपको क्वेश्चन में आपका 2 हो जाएगा, तो 14 दुनिया आपका यहाँ पे 28, सिंपल सा आपका आंसर निकल कर आएगा। देखिए आपको ऐसे इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पर हल करना है, आपका इसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 28 आपका सेंटीमीटर, ठीक है। और चलिए यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पे संख्या 1 पॉइंट यानी 1296 का वर्गमूल क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका बहुत सिंपल है, आप 1296 आप जानेंगे तो आप पहले सिंपल नंबर लेंगे, आप यहाँ पे पॉइंट बता दीजिए, ठीक है, तो 1296, अब इसे देखोगे भाई साहब तो आपका ये किसका आपका वर्गमूल होता है, आपका सिंपल सा यह होता है, समझिए आपको आंसर होता है देखिए 36 गुणे 36 करेंगे तो आपका यहाँ पे 1296 आपका 96 आएगा, अब समझिए 36 गुणे मतलब आपका 36 होता है, तो इसी प्रकार आपको इसे लिख सकते हैं 36 गुणे 36, अब मतलब क्या होता है, और देखिए आपको यहाँ पे लिखा है पॉइंट, तो पॉइंट को आपको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1296 लिखिए और यहाँ पे आप यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो 2 जीरो आपका नीचे आएगा, 1296 बटे 100, और ये आपका यहाँ पे होता है 36 का आपका यहाँ पे वर्ग होता है, और ये आपका यहाँ पे 10 का होता है, तो 10 का वर्ग आपका ये हुआ 36 का, ये आपका वर्ग से वर्ग कट गया, मतलब यहाँ पे 36 बटे आपका 10 होगा, और आपके 10 का आपका भाग देंगे तो 3 पॉइंट आपका यहाँ पे 6 आपका आंसर आएगा, सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर आपको 3 पॉइंट आपको यहाँ पे 6 कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण 6x+12 है, तो आपको यहाँ पे हल करना है, कैसे हल करेंगे, आपका यहाँ पे हल करने के लिए आपको यहाँ पे
सिक्स एक्स बराबर आपका 12, तो एक्स का मान निकालने के लिए जब आप एक्स बराबर करेंगे तो आप यहाँ पे आप इसके देखिए 12 की बट्टी में आपको यहाँ पे आप इधर आएगा तो ये आपका बटे 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी आपका यहाँ पे 12, मतलब आपका आंसर यहाँ पे 2 आएगा। सिंपल सा आपका आंसर यहाँ पे 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी आपका पूर्ण संख्या आपको बताना है। तो 4 अंक तो आपके देखिए आपका ये भी है 4 अंक का, सभी आपके 4 अंक के हैं, लेकिन बात कर रहा है सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है जो आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे आपका देखिए 9801 क्या होता है, आपका यहाँ पे 98 आपका जो 01 होता है 9801 ये आपका यहाँ पे सबसे आपका पूर्ण वर्ग आपको कहलाता है। किसका होता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको समझने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो आपका 9999 क्वेश्चन लिखिए और इसके बाद देखिए 99 आपका 81 होता है, तो आप यहाँ पे 9 आएगा और इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको उठाएंगे 18 और इसके बाद आपका 2 अंक यहाँ पे उतर जाएगा, तो 1701 मतलब आपको यहाँ पे देखिए 1198 मिल रहा है। तो इसका आंसर ये हुआ कि भाई साहब यदि हम आपको यहाँ पे 198 यहाँ पे जोड़ दे तो पूरा आपका यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी आपको आंसर यहाँ पे आपको सी नंबर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 7वां, अक्रम ने एक मेज जो है यहाँ पे 2500 रुपए में खरीदा, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य आपको कितने रुपए होगा। तो ये क्वेश्चन आपको करने के लिए सिंपल सा पहले आपको यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, खरीदी मतलब होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे आपको हो जाएगा 2500 रुपए, ठीक है, आप इसे लिखिए 2500 और उसे कितने पर बेचा, तो 10% का आपको लाभ पर बेचा, तो आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य आपका यहाँ पे होता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपका यहाँ पे देखिए 2500 रुपए उसका क्रय मूल्य था, तो 2500 और 10% लाभ में बेच रहा है, मतलब आपका 10 बटी आपका 100 हो जाएगा, और 00 यहाँ पे कैंसिल कितना, मतलब 250 रुपए उसे आपको यहाँ पे लाभ मिला, तो आपको लाभ कितना मिला 250 रुपए, तो खरीदा था 2500 रुपए में और बेचे कितने में, मतलब 200 आपका 250 रुपए, तो लाभ कमा लिया, तो 2500 में आप यहाँ पे 250 जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 2700 आपका 50 रुपए आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखो क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 8वां, घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है कि घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, तो आप सिंपल सा देखिए यहाँ पे आपके कोर कितने होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब घनाभ में कोर कितने होंगे, मैं आपको अच्छे समझा दे रहा हूँ, देखिए आपका बात करें घनाभ में कोर, सबसे पहले आप आया कोर है ना, तो यदि आपका घनाभ में कोर पूछे तो आपके 12 होते हैं, कितना घनाभ में कोर आपके होते हैं 12। और इसकी बात करें घनाभ में शीर्ष, क्या आपका घनाभ में शीर्ष की बात करेगा, तो शीर्ष आपके यहाँ पे हो जाते हैं आपके 8। और घनाभ में बात करें फलक की, किसका घनाभ में आपका फलक कितने होते हैं, तो फलक आपके होते हैं बच्चों आपका यहाँ पे 6। और यहाँ पे घन में शीर्ष पूछे, घन में शीर्ष तो आप बता देंगे सिंपल सा आपका यहाँ पे आपका 8, ठीक है। तो आप ये 4 पॉइंट इसे याद करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में आपके आने हैं यदि आपका सेट आपका चेंज होता है, तो याद करिए। और इसके बाद क्वेश्चन आता है देखिए 6 और 14 का आपका लघुत्तम संवर्त क्या होता है, तो 6 और 14 देखिए लघुत्तम जब आपको एलसीएम निकालना हो तो आप ऐसे लिख लीजिए 6 और यहाँ पे 14, पहले आप 2 से काटिए 2 तिहाई 6 और इसके बाद 2 सत्ते 14 और इसके बाद 3 से काटेगा 3 एक कम 3 और ये आपका 7 रह जाएगा और इसके बाद 7 एक कम 3, ठीक है। तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 सत्ते आपका 42 आपका आंसर यहाँ पे आपका 42 आपका आएगा, आपको आंसर यहाँ पे 42 आपको लगाना है, इसमें आपको यहाँ पे 12 और इसमें आपको यहाँ पे 42। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों आपके यहाँ पे कोणों के अंतः इसका माप क्या होगा, तो देखिए चारों कोण की माप की बात कर रहा है, तो चतुर्भुज में चारों कोण आपके यहाँ पे टोटल होते हैं 360, देखिए सब में कितने कितने होते हैं, 90 आपका यहाँ पे होगा और 90 आपका यहाँ पे होगा और 90 आपका यहाँ पे और यहाँ पे, टोटल आप जोड़ोगे तो 990 गुड़े आपका 4 यहाँ पे आपका 36, मतलब 360 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, एक आपका आलेख दिया है और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, 3 क्वेश्चन पूछा है। देखिए दिए गए आलेख के अनुसार आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, तो यहाँ पे आपको आगे क्वेश्चन जितने आपके यहाँ पे 11वां है और इसके बाद आपका यहाँ पे 12वां है, ठीक है, 12वां 13वां 14वां और 15वां और इसके बाद पूरे आपके यहाँ पे देखिए 16वां 17वां और आपके यहाँ पे आपका आगे 18वां हो जाएगा, 19वां 20वां 21वां और आपके यहाँ पे 21 22 और आपका यहाँ पे देखिए 23 क्वेश्चन और 23 के बाद आपके यहाँ पे आपका 24 में आपको यहाँ पे एक आपका वारंबारता सारणी वाला आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपके 5 नंबर के, तो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन और यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन पूरा आपका 101% आपके यहाँ पे 100% आपका रियल पेपर। यदि आपने ये पेपर कल के पेपर में गणित में जाओगे तो गर्दा मचा कराओगे, तो फटाफट आपके अगले पार्ट पर हम आपको यहाँ पे आगे के आंसर देंगे, क्योंकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझाना है, पूरा आपका यहाँ पे रियल पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है, तो जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार बीट कर रहा है दिल से वीडियो लाइक करिए, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे हम पूरे आपके पेपर के रियल पेपर के आंसर दे रहे हैं, रट लेना।
और यहाँ पर आपके अपने चैनल जीत मिडिल क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों पे शेयर कीजिए, सभी का यहाँ पे फायदा होना चाहिए। और हर आपका आंसर मैं आपको यहाँ पे किससे देने वाला हूँ, आपका पूरा आंसर मैं आपको दूंगा बच्चों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से आपका सोल्यूशन, जो आपके क्वेश्चन यहीं से आपके पूरे फंस रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय। वो है।